अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। हिंदुस्तान में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। 21 दिन तक लॉकडाउन की कल्पना करते हुए ही लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। जरूरी सामान की किल्लत न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा दी गई छूट का लाभ भरपूर लोग उठा रहे हैं। हालांकि यह लाभ कहीं ना कहीं जान संकट में डालने वाला भी साबित हो सकता है। कारण साफ है कि लॉकडाउन का जो उद्देश्य था उसके चलते वह पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन देश में कोरोना केस की संख्या 600 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 14 हो गया है। WHO का कहना है कि यदि कोरोना को भारत में इसी स्टेज पर न रोका गया तो स्थिति बेहद चिंतनीय होगी। UP सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो कर्फ्यू जैसे कदम भी सरकार उठाने से पीछे नहीं हटेगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी अपना पिटारा खोला है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 माह तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान भी किया गया है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले 3 महीने के लिए हैं। इसे 2 किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा। मनरेगा के तहत आने वाले वर्कर्स की दहाड़ी भी बढ़ा दी गई है। यह पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है। इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को होने की उम्मीद है। 8.65 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। ये किस्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है। बता दें कि किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है। कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 15 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस बीच इंडिगो ने अपने कर्मचारियों के घरेलू उड़ानों के निलंबित रहने की अवधि में वेतन और छुट्टी नहीं काटने का भरोसा दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने देश में घरेलू उड़ानों को भी मंगलवार रात 12 बजे से निलंबित कर दिया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्य में अब तक 36 मामले सामने आए हैं। लोगों का अपने घर में रहना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अब दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों को भी इजाज़त दे दी गई है। सभी DM पुलिस अफसरों को इन्हें लागू करने को कहा गया है।